तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आज अहम बैठक होने वाली है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर ये बैठक होगी। किस तरीके से कोरोना के मामलों पर काबू लाया जाए, किस तरीके से कोरोना की रफ्तार को रोका जाए, इस बैठक में चर्चा की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अलावा देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों की स्थिति का जायजा लेंगे कि किस तरीके से राज्य में कोरोना की स्थिति क्या है, इस वक्त देश में कोरोना की स्थिति क्या है। अभी से दो दिन पहले भी उन्होंने केंद्रीय टास्क फोर्स के साथ ऑनलाइन माध्यम से जो है वो बैठक ली थी, और उसमें हालांकि वैक्सीनेशन पर जोर देने का उन्होंने कहा था कि वैक्सीन पर जोर देना है जो कि जिससे हम कोरोना को हरा सकते हैं। अगर फिलहाल कल के आंकड़ों पर ध्यान दें और आज के देश के कोरोना आंकड़ों पर ध्यान दें तो मामलों में कमी जरूर आई है, थोड़ी हल्की गिरावट जरूर देखी गई है, लेकिन हम इससे लापरवाह नहीं हो सकते क्योंकि एक दिन के गिरावट से कोरोना जा नहीं सकता हमें। और अगर देखा जाए तो लगातार इतनी ही गिरावट देखी जाएगी तो फिर से एक बार कोरोना की स्थिति जो है वो नियंत्रण में आ सकता है। तो आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तमाम सभी देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक होनी है। इस बैठक में देश में कोरोना मामलों की स्थिति पर जो है वो चर्चा की जाएगी, किस राज्य में क्या एहतियात बरतना है प्रधानमंत्री से वो सलाह लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों को हिदायत देंगे कि किस तरीके से, हो सकता है कुछ आदेश भी दें। हालांकि इससे पहले जब बैठक हुई थी तो लगातार ये अटकलें तेज थी कि राज्य देश भर में नाइट कर्फ्यू का आह्वान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के कोई भी मंत्री फिलहाल, राज्य के कोई भी मुख्यमंत्री लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, खासकर की महाराष्ट्र सरकार तो बिल्कुल भी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। हालांकि राज्य में अभी फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है और कुछ पाबंदियां लगाई हुई है, तो जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उस तरीके से ये तमाम पाबंदियां जो है वो राज्य में लगा दी है। फिलहाल 4 बजे ऑनलाइन माध्यम से ये बैठक होगी, इस बैठक में क्या चर्चा होगी और क्या निष्कर्ष आएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या गाइडलाइंस या फिर क्या निर्देश देते हैं राज्यों को, ये अब देखने वाली बात होगी। हालांकि कल ICMR की एक गाइडलाइन सामने आई, उसमें काफ़ी चौंकाने वाली बात जो ICMR ने कही कि अगर आप कोरोना मरीज के संपर्क में आए हो और आप में कोरोना के लक्षण नहीं है तो आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि थोड़े दिन पहले ही केंद्र के जो निर्देश आए थे कि अगर सर्दी खांसी बुखार भी हो तो उसे कोरोना का संदिग्ध मरीज माना जाए, तो अब अगर देखा जाए तो कोरोना की तीसरी जो लहर है वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रही है। लेकिन 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 जो तमाम रिसर्चर्स हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो अब आने वाला हफ्ता है उसमें तीसरी लहर का पीक जो है वो हम देख सकते हैं, तो इससे अब लापरवाह नहीं होना है। मामले कम हो रहे हैं तो नियमों का और भी ज्यादा सख्ती से पालन करना है ताकि कोरोना एकदम पूरी तरीके से, ये भी माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन एक लास्ट स्टेज है, इसके बाद कोरोना हो सकता है कि एक माइल्ड फ्लू जैसा ओमिक्रॉन को बताया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि 4 बजे की बैठक में किस बात पर, किस मुद्दे पर कोरोना को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को, महाराष्ट्र को क्या निर्देश देते हैं।